हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया तो आज ये वीडियो में बताएंगे। तो हमने ये 14 के मल्टी में फंदे लेने हैं, 14 के, और 9 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं डिज़ाइन को बराबर करने के लिए, और 2 फंदे हमने एस स्टिच के लिए लेने हैं। और बैक से ये ऐसे दिखेगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। आप बच्चों की स्वेटर पर, लेडीज स्वेटर पर, जैकेट, कार्डिगन, अगर टॉप बना रहे हैं, फ्रॉक बना रहे हैं बच्ची का, या आप कैप बना रहे हैं तो कैप पे भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस ये डिज़ाइन हमारा 4 सिलाइयों में बनेगा। 4 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आगे से बनता जाएगा। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 14 के मल्टी में फंदे लिए और 9 फंदे मैंने डिज़ाइन को बराबर करने के लिए लिए, और 2 फंदे मैंने एस स्टिच के लिए लिए। तो ये 39 फंदे हैं, 39। तो पहला फंदा हम एस स्टिच का सीधा बुनेंगे, फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 फंदे एक को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 2 फंदों को हम एक कर देंगे। दो का एक कर दिया, फिर यहाँ पे एक जाली बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे पहले सिलाई में उतार लेंगे, फिर बैक लूप से इसे सीधा बुन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर दोबारा से जैसे ये 14 फंदों पे डिजाइन बनाते हैं, इसी 14 फंदों पे ऐसे दोबारा फिर डिजाइन बनाना है हमने। फिर 2 का एक कर देंगे पहले, फिर यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे, साथ में जाली बन जाएगी, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। यहाँ पे भी 2 का एक किया था तो यहाँ जाली बन गई, एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ भी जाली बना लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और 2 का एक करेंगे तो यहाँ भी एक फंदा घट जाएगा। तो यहाँ बढ़ गया और यहाँ पे घट जाएगा। दो का एक कर देंगे, फिर 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट का एस स्टिच। और दूसरी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। इस डिजाइन में जितनी भी सिलाइयाँ हैं उल्टी साइड से सारी उल्टी ही बनेंगे। तो ये उल्टी सिलाई बना लूँ, फिर सीधी साइड में आपको तीसरी सिलाई पे डिजाइन बताती हूँ। तो ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई बन गई है, दूसरी सिलाई उल्टी बना ली। अब तीसरी सिलाई पे हम फिर आ गए हैं। तो तीसरी सिलाई पे डिजाइन कैसे बनेंगे बता देती हूँ। पहला एस स्टिच का, पहले 9 फंदे सीधे बुने थे, अब धागा अपनी तरफ कर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। धागा दूसरी तरफ कर लें, एक फंदा एस स्टिच का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। अब क्या करेंगे, जो एक फंदा सीधा, जो 9 फंदे हमने बनाए थे उसका, और एक ये 2 का एक किया था, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे और यहाँ पे जाली बना लेंगे। फिर जो जाली वाले फंदे 3 थे, 2 जाली वाले फंदे और एक बीच में सीधा फंदा बुन रहे, इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2 और 3।
फिर यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर तीन दो फंदे ऐसे उतार लेंगे पहले, उसके बाद दोनों को बैक लूप से दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक फंदा हमने इसके साथ बुन लिया, एक फंदा इसके साथ बुन लेंगे, तो नौ फंदों में से दो फंदे हमारे घट गए तो सात फंदे रह गए हैं, तो सात फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब एक सीधा फंदा और एक दो का एक किया था, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, धागा ऐसे घुमाकर फंदा बना लेंगे और साथ में यहाँ पे जाली बन जाएगी। और एक जाली वाला फंदा, इधर जाली वाला फंदा और बीच का सीधा फंदा था, इन तीनों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर धागा घुमाकर एक फंदा बना लेंगे, दो फंदों को ऐसे पहले उतार लेंगे, फिर इन्हें बैक लूप से दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे उल्टे बना लिए, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, और चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो चौथी सिलाई पूरी उल्टी बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ ये डिजाइन कैसे बना। तो चौथी सिलाई हमारी उल्टी पूरी हो गई है, तो ये चार सिलाइयों पर ये डिजाइन ऐसे बनेगा। और पांचवी सिलाई एक बार मैं फिर बता देती हूँ, फिर इन्हीं चार सिलाई को रिपीट हमने करना है, एक बार पांचवी सिलाई बता देती हूँ, फिर नौ फंदे और सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, फिर दो फंदे दो का ही कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बना लेंगे, ये सीधा फंदा बिल्कुल सीधे जाएगा आगे तक, तो सीधा फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे एक जाली बना लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे, दो फंदों को ऐसे उतार लेंगे पहले, फिर दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ और धागा दूसरी तरफ रखेंगे, सॉरी सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, फिर एक दो फंदे दो का एक कर देंगे, फिर धागा ऐसे लपेट लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा लपेट के दो फंदे एक फंदा बना लेंगे, यहाँ पे दो का एक किया था, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, फिर एक दो फंदे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने बढ़ा लिया था फंदा, यहाँ भी बढ़ाएंगे एक ऐसे करके, फिर ऐसे दोनों को फंदों को ऐसे ले लेंगे पहले, फिर उसके बाद दोनों को बैक लूप से दो का एक कर लिया, फिर नौ फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, लास्ट का स्टिच सीधा। तो अगर आगे बनाते जाएंगे डिजाइन तो ये ऐसे बनेगा। अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, थैंक यू।